Hello students, welcome to GATE Academy. This is the question asked in GATE 2018. The question is from electronic devices and circuits. And the question is, a PN silicon diode has concentration of holes Na. On one side is 10 to the power 15 per centimeter cube and on other side is 10 to the power 17 per centimeter cube. What is built-in potential? So if you are talking about a PN junction, agar aap ek PN junction ki baat karte hain, to built-in potential jo hai, वो डिप्लीशन रीजन में जो पोटेंशियल डेवलप होता है एक ओपन सर्किटेड डायोड में, उसको हम लोग बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं. सपोज़ हमारे पास एक डायोड है और इस डायोड को हम लोग कुछ इस तरीके से डोपिंग करते हैं. सपोज़ दिस साइड में एक्सेप्टर एटम से डोपिंग करता हूँ और इस साइड में डोनर एटम से डोपिंग करता हूँ, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारे पास एक साइड जहाँ पर मैंने एक्सेप्टर एटम से डोपिंग किया है वो रीज़न पी साइड बन जाएगा और जहाँ पे मैंने डोनर एटम से डोपिंग किया है वो रीजन एन साइड बन जाएगा. तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हमारा ये एक डायोड तैयार हो गया है, लेकिन इस डायोड के सेंटर में एक डिप्लीशन रीजन होता है. तो ये जो एटम है एक्सेप्टर एटम्स, ये कैसे बनता है? ये एक्सेप्टर एटम एक आयोन से बनता है, डेट आयोन इज नेगेटिव आयोन विथ वन होल. और ये डोनर एटम किससे बनता है? डोनर एटम एक पॉजिटिव आयोन से बनता है विथ वन इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब ये एक ओपन सर्किटेड कंडीशन में होता है तो उस ओपन सर्किटेड कंडीशन में सेंटर पे जो एटम्स होते हैं उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है. सपोज़ आई हैव ड्रॉन लाइक दिस, दिस इज़ वन एक्सेप्टर एटम्स विथ ऑन होल एंड दिस इज़ वन डोनर एटम्स विथ ऑन इलेक्ट्रॉन. सो कंसर्न बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंसनट्रेशन, हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा होल्स का डोपिंग किया है और यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग किया है, तो दोनों के बीच में एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया है. अगर दोनों के बीच में एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन साइड से पी साइड की ओर जाएंगे. जब इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी की साइड पी साइड की ओर जाएंगे तो ये जो इस तरीके का कुछ मूवमेंट होगा और इस मूवमेंट से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा. इस रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होगा? इस रिकॉम्बिनेशन का रिजल्ट ये होता है कि सेंटर पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर को लॉस्ट कर देंगे. अगर सेंटर पे हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन रहता है ना होल रहता है तो डेफिनेटली ये जो सेंटर है इसमें सिर्फ आयोन्स रह जाते हैं और ये आयोन जो है ये इमोबाइल चार्ज कैरियर से, डैट मीन्स ये मूवमेंट नहीं कर सकते. अगर ये मूवमेंट नहीं कर सकते तो ये जो रीजन है सेंटर का ये डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स हो गया है और इस डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर के होने की वजह से ये जो सेंटर का रीजन है ये डिप्लीशन रीजन कहलाता है. दिस सेंटर रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन. और इस डिप्लीशन रीजन में एक वोल्टेज डेवलप होता है और वो जो वोल्टेज है वो इस नेगेटिव आयोन और इस पॉजिटिव आयोन्स के एक्यूमुलेशन से होता है. आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो नेगेटिव आयोन्स और एक तरफ जो है ये पॉजिटिव आयोन्स है. ये जो डिफ्यूजन है जिसको मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले जाएंगे, ये डिफ्यूजन उस समय तक हो जाएगा, होता रहेगा अनटिल अनलेस दोनों तरफ कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर सिमिलर ना हो जाए. सो दिस आर द फॉलोइंग फंडामेंटल्स. नाउ व्हाट वी हैव टू सी, हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है कि हम लोग को जो फाइंड आउट करने बोला है वो वही बिल्ट इन पोटेंशियल है. डैट मीन्स इस सेंटर पे जो एक पोटेंशियल डेवलप होगा इस नेगेटिव और पॉजिटिव आयोन्स की वजह से, जिसको हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये पूछा गया है. उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला है. सबसे पहले हम लोग जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लेते हैं. हमारे पास जो दिया हुआ डेटा है वो है कि हमारे पास एन ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है. ये जो एन ए है, एन ए इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास एन डी भी दिया हुआ है. एन डी इज़ इक्वल टू हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा दिया हुआ है. नेक्स्ट हमको जिस फार्मूला को मैं यूज़ करने की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं उस फार्मूला को यहाँ पे लिखता हूँ विदाउट डेरिवेशन, एंड दैट इज़ वी नॉट इज़ इक्वल टू वी टी एल एन एन डी इन टू एन ए डिवाइडेड बाय एन आई स्क्वायर. दिस इज़ वेरी मच यूज्ड फार्मूला इन ई डी सी, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है. यहाँ पे वी टी जो है
दिस इज़ ए कॉन्स्टेंट, और अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो इस वी टी के फॉर्मूले को डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वी टी इज़ इक्वल टू के टी और के टी अपन क्यू। तो हमारे पास वी टी एट रूम टेम्परेचर बाई यूजिंग आइंस्टाइन रिलेशनशिप हम लोग इसको डायरेक्टली 0.026 लिख सकते हैं। डेट मीन्स ये जो है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है एट रूम टेम्परेचर, डेट इज़ 26 mV। सो दिस इज़ 0.026 V ln, और हमारे पास ND दिया हुआ है पहले से, दिस इज़ इक्वल टू 10^15, एंड हमारे पास NI की वैल्यू दी गई है डेट इज़ इक्वल टू 10^17। जब NI स्क्वायर की वैल्यू हमको लिखने को आएगा तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि हम लोगों ने किस टाइप का डायोड यूज़ किया है। हम लोगों ने जिस भी टाइप का डायोड यूज़ किया है उसमें बेसिक जो सेमी कंडक्टर है वो कौन सा यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है सिलिकॉन, तो अगर हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन के लिए लिखे फार्मूला तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिलिकॉन में NI जो है वो होता है 1.5 × 10^10 पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ ऑलरेडी डिफाइंड एट 300 °K रूम टेम्परेचर। सो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, दिस इज़ 1.5 × 10^10 एंड द स्क्वायर ऑफ दिस वन। सो दिस इज़ द डायरेक्ट फार्मूला विच वी कैन यूज़ टू फाइंड आउट द बिल्ट इन पोटेंशियल। सो बिल्ट इन पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन ऑफ द डायोड। दिस इज़ द एक्चुअल द डेफिनेशन, द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन ऑफ द डायोड एट इट्स इक्विलिबीरियम कंडीशन। जब डायोड इक्विलिबीरियम कंडीशन में है उसमें कोई भी फॉरवर्ड या फिर रिवर्स वोल्टेज या फिर कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया गया है, उस समय उसके डिप्लीशन रीजन में जो भी वोल्टेज डेवलप होगा उसको हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है, जिसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग हमारे पास है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0.697 V। दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।